एक दफा का जिक्र है, एक छोटे सी गांव में एक स्कूल था जिसमें एक प्यारी सी उस्तानी मिस वर्दा पढ़ाती थी। मिस वर्दा ने हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने का सबक सिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि सबक सिर्फ किताबों से ही नहीं जिंदगी से भी मिलता है। एक दिन मिस वर्दा ने बच्चों को एक नई कहानी सुनाई जिससे बच्चों के दिलों में इंसानियत और इज्जत का जज्बा भर गया। मिस वर्दा ने उन्हें दोस्ती, टीम वर्क और सबसे जरूरी मदद करने की इम्पोर्टेंस सिखाई। एक दिन एक बच्चा जिसका नाम अली था, जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, उसने अपनी मुश्किल मिस वर्दा से शेयर की। मिस वर्दा ने उसे हौसला दिया और उसे समझाया कि हर शख्स अलग होता है और हर किसी को अपने तरीके से सीखने का मौका मिलता है। मिस वर्दा की मेहनत ने उस छोटे से गांव के बच्चों को बेहतर बनाने में मदद की। उनके शागिर्दों ने सबक सीख कर इज्जत और मोहब्बत से भरी जिंदगी गुजारी। मेरे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि उस्ताद का असर गहरा होता है। उस्ताद न सिर्फ उस्ताद होता है बल्कि एक अच्छा दोस्त भी होता है।